आइडिया वीडियो आंगनबाड़ी के बच्चों की वालदा के लिए। अस्सलामु अलैकुम। आज की मीटिंग में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है आपको पिछले हफ्ते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। पिछले हफ्ते की वर्कशीट बच्चों ने कैसे की और बच्चों के हुकूक, इस वीडियो के बारे में आपके ख्यालात हमें जरूर बताएं। अब साथ में लाई हुई वर्कशीट हाथ में पकड़कर फोटो लेते हैं। फोटो प्रथम के नुमाइंदों को भेजते हैं। तब तक हम ये वीडियो यहाँ रोक देते हैं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है करके देखते हैं। चलिए अब हम सब एक दायरे में बैठते हैं, मोबाइल पर एक खेल खेलते हैं। हर एक वालदा को स्क्रीन पर लिखा हुआ जुमला याद करके बारी बारी बताना है, लेकिन हंसना बिल्कुल नहीं है। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। आइए ये खेल खेलने तक हम ये वीडियो यहाँ रोक देते हैं। उम्मीद है ये सरगर्मी सभी वालदा ने खुशी खुशी की होगी। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत ने ख्वातीन को बहुत से हुकूक दिए हैं। सनफी मसावात हो या मुलाजिमत में मर्दों के बराबर हिस्सेदारी, इज्जत और शाइस्तगी के साथ जीने का हक या दफ्तर में हरासा होने से तहफ्फुज, ख्वातीन से मुताल्लुक बहुत से हुकूक हैं जिनके बारे में जरूर जानना चाहिए। आइए इस वीडियो की मदद से जानते हैं कि ये हुकूक कौन कौन से हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हिंदुस्तान की हुकूमत ने ख्वातीन को बहुत से हुकूक दिए हैं। आइए जानते हैं कि ये हुकूक कौन कौन से हैं। मसावी मुआवजे का हक। मसावी मुआवजा एक्ट में दर्ज दफात के मुताबिक किसी भी मसावी काम या काम की नौइयत के लिए काम करने वाले मर्दों और काम करने वाली ख्वातीन को मसावी मुआवजा दिया जाएगा। यानी जब तनख्वाह या उजरत की बात आती है तो आजिर या आजिर सन्फ की बुनियाद पर इम्तियाज नहीं कर सकते। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ हक। हिंदुस्तानी आयन के दफा 498 के तहत बीवी, खातून लिव इन पार्टनर या घर में रहने वाली औरत को घरेलू तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाने का हक हासिल है। शौहर, मर्द लिव इन पार्टनर या रिश्तेदार अपने खानदान की ख्वातीन के खिलाफ जबानी, माली, जज्बाती या जिंसी तशद्दुद नहीं कर सकते। ख्वातीन को रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मुल्जिम खातून को गुरूब आफ्ताब के बाद या तुलू आफ्ताब से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी खास मामले में यह सिर्फ फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट के हुक्म पर ही मुमकिन है। कानून यह भी कहता है कि अगर किसी से इसके घर में पूछगछ हो रही है तो ये काम किसी खातून कांस्टेबल या घर वालों की मौजूदगी में किया जाना चाहिए। वर्चुअल शिकायत दर्ज करने का हक। कोई भी औरत अपनी शिकायत वर्चुअल तरीके से दर्ज करवा सकती है। इसमें वो ईमेल की मदद ले सकती है। आप रजिस्टर्ड डाक एड्रेस के साथ पुलिस स्टेशन को खत के जरिए अपनी शिकायत भेज सकते हैं। इसके बाद एसएचओ एक कांस्टेबल को खातून के घर भेजेंगे जो बयान रिकॉर्ड करेगा। जीरो एफआईआर का हक। अगर किसी खातून के खिलाफ कोई जुर्म होता है तो वो किसी भी थाने या कहीं से भी एफआईआर दर्ज करवा सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं
की शिकायत उसी थाने में दर्ज की जाए जहां वाकया पेश आया था। जीरो एफआईआर बाद में थाने को भेजी जाएगी जहां जुर्म हुआ है। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ख्वातीन के हुकूक के बारे में कुछ मालूमात मिली होगी। इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके तजुर्बे हमें जरूर बताएं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से करवाएं। बच्चों को कागज पर बतख की तस्वीर बनाकर दें। बच्चे को उंगली पर पीला रंग लगाकर तस्वीर पर ठप्पा लगाकर वर्कशीट मुकम्मल करने की तरगीब दें। जरूरत पड़ने पर बच्चे की मदद करें। बच्चों के जरिए मुकम्मल की हुई वर्कशीट अगले हफ्ते अपने साथ लेकर आएं। क्या बच्चे को इस वर्कशीट को करने में खुशी मिली? इस तजुर्बे को हमें जरूर बताएं। आज की सरगर्मियां यहां पर खत्म होती है। ऐसे ही नई मालूमात और सरगर्मियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और बच्चों का ख्याल रखें। शुक्रिया।